बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ पसंदे। बीफ पसंदे थोड़ा सा ये हमारे स्टाइल में है, जो बिहारी लोग बनाते हैं, मैं उस स्टाइल से आपको बता रहा हूँ। तो ये हमने पसंदे लिए, ये देखिए तकरीबन 1.5 किलो ये पसंदे हैं। ये हमारे जो गोश वाले हैं वो अंकल इतना डर गए कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पतले बना दिए। तो आप ये देख लीजिए, ये तकरीबन 1.5 किलो जो है वो पसंदे हैं। ये हम लेंगे, दही इसमें जाएगा तकरीबन जो है वो 4 टेबल स्पून में दही इसमें डालूंगा। लहसुन अदरक है, लहसुन अदरक जो है वो तकरीबन 1-1 टेबल स्पून है। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च जाएगी इसमें, 1 टीस्पून काली मिर्च जाएगी। ये हमने खचखच जो है वो हल्का सा भून के और इसको बारीक पीस लिया है, तो ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है। धनिया पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, गरम मसाला जाएगा 1 टीस्पून, नमक हसबे जायका होगा, जायफल जावित्री और बादियान का फूल, ये तीनों मिला के 1 टीस्पून जाएगा। थोड़ी सी हमने ये प्याज ली है, ये बहुत छोटे साइज़ की है तो इसलिए मैंने जो ये थोड़ी जो है वो तकरीबन 10 या 11 हैं, इनको हम पहले फ्राई करेंगे और फिर इसी में पसंदे शामिल कर देंगे। तो ये हम अलग से तल के प्याज इसमें नहीं डालेंगे। और ये सरसों का तेल है, सरसों का तेल आपको पता है कि ये ज़रूर जाता है पसंदे में। और अगर आपको सरसों के तेल का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप कनोला ऑयल डाल लें, वेजिटेबल ऑयल डाल लें, या आपको जो भी ऑयल पसंद है वो डाल लें। अगर अगर आपको घी डालना है तो आप घी भी इसमें डाल सकते हैं। तो अभी हम इसमें मसाला मिलाएंगे, ये सारे मसाले इसमें जाएंगे। ये मसाला मिला के हम इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे और फिर हम प्याज तलेंगे और फिर ये उसके अंदर हम शामिल करेंगे। तो अब आए हम अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं इसमें दही डालूंगा, ये जो है ये टेबल स्पून है, सॉरी ये टीस्पून है। तो तकरीबन मैं इसमें ये 4 भर भर के डालूंगा, अगर मुझे कम लगेगी तो मैं इसमें और शामिल कर दूंगा। अब ये जो है ये लहसुन अदरक है जो मैंने आपको बताया था, ये हम इसमें डाल देंगे। लाल मिर्चें जाएंगी इसमें, खसखस जो हमने पीस के रखा था वो जाएगा इसमें, काली मिर्चें, गरम मसाला, धनिया, जीरा, जायफल जावित्री और बादियान का फूल, नमक और सरसों का तेल। ये भी हम अंदाज से डाल देंगे, ज़्यादा हो जाए कम हो जाए सो के, क्योंकि ये पकना है, ये बारबेक्यू नहीं है, ये पकेगा तो इसलिए जो है वो। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें, इसको हमने अच्छे से पसंदों में शामिल करना है। ये पसंदे बहुत अच्छे बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा पतले बने हुए हैं, तो इन नहीं तो अगर आपको लगे कि पसंदे थोड़े से मोटे हैं तो आप इसके अंदर पपीता भी डाल सकते हैं। मैं अमूमन डालता हूँ पपीता, लेकिन मैं इसमें नहीं डाल रहा क्योंकि ये बहुत पतला है। ये वैसे ही मुझे पता है कि एक भाप में गल जाएगा, ये देखेंगे कितना पतला है, तो ये वैसे ही भाप में गलेगा। तो नहीं तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा पपीता और हरी मिर्चें डालता हूँ पीस के, लेकिन मैंने इसमें नहीं डाला है क्योंकि इसमें ज़रूरत नहीं है। ये देखें ये कितना, इसको बस बहुत अच्छे से मिक्स करके आप जो है वो 3 से 4 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दें या इसको बाहर भी छोड़ दें। अगर गर्मी है तो फ्रिज में रख दें, अगर ठंडा है घर आपका तो फिर उसको जो है वो बाहर छोड़ दें। और फिर इसके बाद हम प्याज तलेंगे और उसमें इसको डाल देंगे। तो जब हम प्याज का प्रोसेस करेंगे काम तो फिर आपको दिखाते हैं। ये देख लीजिए, ये बिल्कुल जो है अब मसाला इसमें मिक्स हो गया, इसको मैंने खूब अच्छे से मिला दिया। अब इसको जो है हम 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे और फिर अपना जब प्याज का प्रोसेस करेंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। अच्छा से बहुत सारे लोग जो है कच्ची प्याज भी तल के डालते हैं, पीस के भी डालते हैं, तल के भी डालते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मेरी कोशिश होती है कि मेरी रेसिपीज हैं वो शॉर्ट हो, ईजी हो, लोगों के लिए पकाना आसान हो, क्विक हो। तो आप जिस तरह अगर इस तरह बनाएंगे तो भी आपको बिल्कुल रिजल्ट वही मिलेगा, तो कोई इतना बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह मैंने आपको बताया उस तरह बना लीजिए। तो अब इंशाल्लाह हम ये 3-4 घंटे के लिए रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हमने अपने पसंदों में मसाला लगा के रखा था, तकरीबन 4-5 घंटे हो गए। तो अब ये प्याज जो है
हमने तेल इसमें रख थोड़ा सा डाल के, अभी प्याज को हम तलेंगे। इसको हमने इतना तलना है कि बस लाइट ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि ये फिर जब इसमें गोश्त जाएगा, अगर हम ज़्यादा ब्राउन कर देंगे प्याज को तो आपका जो पसंदे है वो काला हो जाएगा। तो इसको अब हम जो है वो थोड़ा सा तलेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। ये देख लें, इसको बस इतना फ्राई करना है, इससे ज़्यादा अगर हम इसको फ्राई करेंगे, जैसे ब्राउन करेंगे, तो पसंदे जो है वो काले हो जाएंगे। तो अब मैं इसे पसंदे ऐड कर दूँगा, और ताकि जो है वो पसंदे अपना पकना शुरू हो जाए, उनका प्रोसेस शुरू हो जाए, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसके अंदर हमने पसंदे डाल दिए, ये आप देख रहे होंगे। इसको हम थोड़ा सा भुनेंगे, बहुत थोड़ा सा इसको हम भुनेंगे, और फिर इसके अंदर पानी डाल के इसको गलने के लिए रख देंगे, ताकि ये थोड़ा सा गल जाए। अभी मैं इसको थोड़ा सा इसलिए भूनूंगा ताकि जो मसाला हमने इसमें लगाया था वो अच्छे से सारा अलग अलग हो जाए, पसंदे सारे अलग अलग हो जाए, ताकि इनको पकने में आसानी हो। तो अभी हम इसको थोड़ा सा भूनते हैं, जब ये भुना जाएगा तो फिर पानी डालते हैं। अब इसमें मैं ये थोड़ा सा पानी डाल रहा हूँ, क्योंकि हमने इसमें बस इतना पानी डालना है कि इसको गलने के लिए काफ़ी है, क्योंकि वैसे भी इसको जब हम थोड़ा सा गला देंगे इसके बाद फिर हम इसको भूनेंगे। तो ये मैंने देखिए थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर दिया। अब इसको जो है मैं थोड़ा सा मिक्स करके, क्योंकि मैंने इसको भून लिया है, शुरू में इसको हल्का सा इसलिए तल लेते हैं ताकि ये चूर ना हो, पसंद है आपका तो वही मैंने तल लिया था। अब इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया, जब पानी, क्योंकि अभी ये गोश्त अपना पानी भी छोड़ेगा, फिर इसमें दही भी है वो भी अपना पानी छोड़ेगी, फिर इसको जो है हम हल्का सा भूनेंगे, जब ये गल जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तो हमारा जो पसंदे हैं ये बिल्कुल गल चुके हैं, अब बस इसको सिर्फ हमने भूनना है थोड़ी देर। इतनी देर हम भूनेंगे कि इसका जो है वो पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए, क्योंकि पसंदे थोड़े जो हैं वो खुश्क अच्छे होते हैं। तो बस अब ये 5 मिनट हम इसको और भूनेंगे, और फिर आपको दिखाते हैं इसको डिश आउट करके। तो बस अब ये पसंदे जो हैं ये बिल्कुल रेडी हैं। हम इसमें ऊपर से ये हरा धनिया डालेंगे, और आप चाहें तो इसके अंदर आप अदरक भी डाल सकते हैं, कच्ची प्याज भी डाल सकते हैं सलाद की तरह काट के गोल गोल, वो भी डाल के खाते हैं। लेकिन ये कि पसंदे आप इसको नान के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, दाल चावल के साथ खाएं, पुलाव के साथ खाएं, हर चीज़ के साथ आप इसको खा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी, बहुत मज़े का होता है, आप इस तरह बनाइए, ये बहुत अच्छा बनता है, और इसको आप बना के इवन रख भी सकते हैं फ्रिज में। तो इंशाल्लाह अगली रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होती है। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। तो आपसे फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।